जो समय से आगे भागता है या पीछे रहता है वो कभी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो फ्यूचर का प्लान जो है, कहते हैं ना कि रास्ता जो चलते जाओ ये मत देखो मंजिल कौन सी है, क्योंकि अगर रास्ते के साथ चलते रहेंगे तो मंजिल और बड़ी मिल जाएगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहली कलम जो चली अपने माता पिता के गाने पर चली, मुझे इतना बड़ा भी नहीं बनना कि अब मैं अपने ज़मीन को भूल जाऊँ, पर मैं कहता हूँ कि मुझे माता रानी और भोलेनाथ के चरणों में और श्याम बाबा के चरणों में सेवा मिलती रही, तो मेरे लिए यही बहुत अच्छी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगन टीवी में, और लगातार हम फनकारों से आपको मिलाते रहते हैं। मैं वही हूँ आपकी होस्ट आशा शर्मा, और पहले भी बहुत सारे सिंगर से हमने आपको मिलवाया है, चाहे वो फिर पंजाबी इंडस्ट्री के शंकर साहनी से लेके अशोक मस्ती से लेके तमाम बड़े बड़े दिलेर मेहंदी तक क्यों ना हो। लेकिन आज जिनसे हम मिलाने जा रहे हैं वो हैं हिमाचल की आन वान शान, यानी कि हिमाचल के गाने जो है वो ज़्यादा गाते हैं और हिमाचली फनकार हैं। नाम है उमंग शर्मा, बहुत सारे माता के भक्ति के गाने भी उनके आए हैं, पंजाबी गाने कुछ वो लेके आ रहे हैं, कुछ भजन्स वो लेके आ रहे हैं। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे उमंग के पास और सुनेंगे उमंग से कुछ गाने भी, और कैसे स्टार्ट हुई उनकी जर्नी उसके बारे में भी जानेंगे। कैसे हैं उमंग? नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। बढ़िया, आप सुनाइए। बोले बहुत बढ़िया। उमंग, जर्नी जो है वो कैसे शुरुआत हुई? मैं अमृतसर रहता था मेरा, क्योंकि जो पढ़ाई वगैरह जो अमृतसर ही, तो वहीं से ही मेरा शौक, जो मेरे आदरणीय गुरुजी हैं राजू हरिपुरिया, जो उन्होंने मास्टर सलीम को काफ़ी भजन लिखे हैं, हिट भजन दिए हैं, तो बस उन्हीं के कहने से आगे बढ़ते रहे। मतलब पंजाब में थे, पंजाब में तो एक कहावत है कि हर एक घर के बाद जो है दूसरे घर में एक सिंगर पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में टैलेंटेड है। तो बस हमने भी कोशिश कर लगे रहे, जैसे जैसे तकदीर लेके ले जाती रही अगे, बस उदा जाते रहे। तो फिर ज़्यादातर मैं अपने ही गाने लिखता हूँ, कंपोज कर, राइटर भी हैं, एज ए कंपोजर राइटर, जितने भी मेरे अपने सॉन्ग हैं खुद के हैं, दूसरों के मैं कम ही गाता हूँ, क्योंकि माता रानी ने अपना ही टैलेंट दिया, तो कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों कोशिश करेंगे कोई एक गाना जो है वो अपना पहले सुना दीजिए। अभी हाल ही में मेरा एक भोले बाबा जी सॉन्ग आया है, और शिव शंभू महादेव है जिसमें चेतन यादव जी हैं इंदौर से, तो हंसराज रघुवंशी बाबा जी ने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने प्रोड्यूस, तो मैं तो उनका भी टैक्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और उनकी बदौलत आज जो भी काम कर रहे हैं हम, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो गाना था मेरा, मस्ती में जब आए भोले बाबा जी, मस्ती में जब आए भोले बाबा जी, डम डम डमरू बजाए भोले बाबा जी, हाँ डम डम डमरू बजाए भोले बाबा जी, हो मस्ती में जब आए भोले बाबा जी, डम डम डमरू बजाए भोले बाबा जी। तो ये फिर अब आगे जो है वो जर्नी, गाने भी आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं कर रहा हूँ खाटू श्याम जी के लिए, खाटू श्याम जी जो है वो आजकल भजन जो है वो काफ़ी चल रहे हैं, अगर बात की जाए तो हिमाचल भी कहीं उनसे जो है वो छूता नहीं रहा है। हंसराज रघुवंशी का एक गाना अभी जो है खाटू श्याम के ऊपर जी, श्याम संग प्रीत, हाँ जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है, और जो गाया बाबा जी ने तो नेचुरली अच्छा ही होगा, तो लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है, मेरे ख्याल 50 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, वो पहला भजन है जो इतने बड़े लेवल पे गया है। हाँ, तो जो भोलेनाथ की कृपा है, और उनका नेचर ही बहुत अच्छा है, और खुद ही वो अच्छी सोच है उनकी, दूसरों को आगे रखना, तो जो दूसरों को आगे रखता है माता रानी उनको, भोलेनाथ उनको आगे रखते हैं, तो बस मैंने भी ये सोचा कि खाटू श्याम वहीं पर लिखा मैंने जब उनके साथ था, तो बस थोड़े दिनों में इसके लिए वर्क शुरू कर रहा हूँ, तो जैसे होगा सरप्राइज कुछ अच्छा ही करने की कोशिश है, बाकी आगे उनकी परमिशन होगी श्याम बाबा की तो नहीं, सब अच्छा होगा। तो मैंने 2-3 लिखे हैं, एक तो मैंने रात को लिखा, अभी जो रात को लिखा है वो हम अभी सुन लेंगे, उसको आप जर्न लाइन में जो है वो सुना दीजिए। एक्चुअली क्या कि मेन होती है स्टार्टिंग, तो बीच का सुना दीजिए, स्टार्टिंग नहीं सुनेंगे। मेरा एक्चुअली मैम तो कहता है कि मैं कोई भी गाना है उसको टाइम देता हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम लगता है,
क्योंकि जैसे कहते हैं फोर्स नियम करेंगे, जैसे कहते हैं हम कोई अगर मकान बनाते हैं तो पहले जो नी पत्थर रखते हैं तो 6 महीने इसको टाइम देते हैं कि वो मजबूत बने, मकान की जो नी हो वो मजबूत होनी चाहिए। तो वैसे गाने के ऐसे होते हैं कि गाने का जो एक मुखड़ा होता है वो नी होती है गाने की, तो उसी के ऊपर ये सारा भजन जो है अंतरों का। फिर मैं एक चीज जानना चाहूंगी उमंग, हर किसी का एक जो है वो आइडल रहता है कि अगर मैंने गायकी में जाना है तो मेरा आइडल जो है वो ये रहेंगे, आइडल जो है वो कौन से रहे आपके और कौन से सिंगर को जो है वो सबसे ज्यादा चाहते हैं? मेरी जिंदगी में जो सिंगिंग का जो मुझे शौक हुआ वो मास्टर सलीम जी से। मैं बहुत बहुत ज्यादा मतलब की मानता था उनको उस टाइम, उनका इतना क्रेज था, क्रेज तो अभी भी है क्योंकि जागरण के स्टार माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जागरण क्या वो हर जगह में परफेक्ट है। बात बताइए, जिस तरीके से मास्टर सलीम आलाप लेते हैं, इतना लंबा आलाप ले पाते हैं? वो माता रानी करवाती है, क्योंकि मेरी जो असल गुरु जो है वो मेरी दुर्गा माँ और भोलेनाथ हैं। उन्होंने जैसे जैसे, और उन्होंने कभी पीठ लगने नहीं दी, चाहे वो कलम के मामले से, चाहे चलो जितना भी थोड़ा बहुत गाता हूँ, जैसा भी गाता हूँ लोग प्यार देते हैं उनको, तो बस यही होता है। तो मास्टर सलीम जी का कोई गाना जो पसंद हो, जिसको आप अक्सर गुनगुनाते हो, वो सुना दीजिए। मैं उन्हीं के स्टाइल का अपना ही सुना देता हूँ, क्योंकि वो तो उस्ताद लोग, और उस्ताद कहते हैं कि हमारा मानना है कि जो उस्ताद लोग ने जो चीज़ बना रखी है ना उनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत है, तो अगर हम ना निभा पाए तो उसमें क्या होता है कि अदब होना चाहिए कि जरूरी है, क्योंकि हर भी का। तो मैं अपना ही सुनाता हूँ कोई अलाप वाला गाना, मेरा एक माँ बाप के ऊपर गाना। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहली कलम जो चली अपने माता पिता के गाने पे चली, मैंने अपने माता पिता के लिए गाना लिखा था, तो उसके लिए सुनाता हूँ। गल मैं सुनावा एक सच बंदिया, कदे मापिया तो भी ना तू वख बंदिया, जग दे विच बस रह ही जाने, जग दे विच बस रह ही जाने दो ही ना बंदिया, एक रब ते दूजी मां बंदिया, एक गल इत्थे आके नहीं ओ मुकदी, जिंदगी विच होर से आपे ने रब होर किते नी बंदिया। मैं क्या रब ही मापे ने, सच्ची रब ही मापे ने, मावा जद भी रोंदिया ने तिया दुख वंडोंदिया ने, मापे लाड लड़ोंदे पुत्र ठोकर पौंदे, जिंदगी कर कुर्बान मापिया दित्ती तेनू जान बंदिया, दो लफ्ज़ां दा दो लफ्ज़ां दा दो लफ्ज़ां दा ना बंदिया रब तो पहला मां बंदिया, दो लफ्ज़ां दा ना बंदिया रब तो पहला मां बंदिया। क्या बात है, शानदार। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हम उस जगह पे जो है वो पहुंच गए हैं कि जो माँ के लिए अक्सर जो गाने जो है वो सामने आते हैं, बहुत सारे गायकों ने माँ के लिए जो है वो गाने गाए हैं जो कि दिल को छू जाते हैं। और उमंग, अगर बात की जाए अभी कि उमंग शर्मा जो है वो कहाँ पे, क्या प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी कभी सोचा है कि मुंबई, क्योंकि हर कलाकार का जो स्थान होता है, जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं मुंबई तक जो है वो जरूर। मेरा मानना ये है कि जो समय के साथ चलता है तो समय उसको बैटरी बना कर लेके जाता है, तो जो समय से आगे भागता है या पीछे रहता है वो कभी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो फ्यूचर का प्लान जो है, कहते हैं ना कि रास्ता जो चलते जाओ ये मत देखो मंजिल कौन सी है, क्योंकि अगर रास्ते के साथ चलते रहेंगे तो मंजिल और बड़ी मिल जाएगी। अगर हम पहले ही सोचेंगे कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे भजन ही से मेरा अगर चलता रहे तो मुझे इतना बड़ा भी नहीं बनना कि अब मैं अपने ज़मीन को भूल जाऊं, पर मैं कहता हूं कि मुझे माता रानी और भोलेनाथ के चरणों में और श्याम बाबा के चरणों में ही सेवा मिलती रहे, तो मेरे लिए यही बहुत अच्छी। क्योंकि गाने मैं लिखता था, मैंने पंजाबी गाने भी काफ़ी लिखे हैं, तो भजन तो मैंने काफ़ी दिए हैं, ममता भारद्वाज जी को मैंने जंगल के राजा लिखी है, अभी नरेंद्र चंचल जी को डेडिकेट कर रहा हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइनें जरूर मैं शेयर करूँगा, ये मैं बहुत जल्द कर रहा हूँ इस गाने को। हाँ।
तो कि तू मुझको बुलाएगी मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा, तू मुझको बुलाएगी मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। तू रूठी तो मैया, तू रूठी तो मैया, मैं तुझको आप मनाऊंगा। तू मुझको बुलाएगी मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी जो है उमंग शर्मा जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और एक जागरण है जिसमें उन्होंने काफी लोग जो हैं वो बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, तो ज्यादा वक्त हम उमंग का नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग, आप हमारे साथ जुड़े, हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग क्या जानना चाहते हैं उमंग शर्मा के बारे में नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।